नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पैपी और आप देख रहे हैं डेली शॉर्ट्स। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। इस गैस ट्रेजेडी में हजारों लोगों की जानें चली गई थी जिनमें ज्यादातर संख्या पुरुषों की थी। ऐसे लोगों की विधवा महिलाओं को रोजगार देने वाले और उनके हक के लिए लड़ने वाले अब्दुल जब्बार को सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार देने का निर्णय किया है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में सोमवार को अब्दुल के परिवार को दिया जाएगा, क्योंकि गैस पीड़ितों के नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले अब्दुल जब्बार लंबी बीमारी के चलते उनका भोपाल के एक निजी अस्पताल में 15 नवंबर 2019 को उनका निधन हो गया। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में। ये खबर ऐसी है जिसे सुनकर आपको आपके कानों पर यकीन नहीं होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में CRPF के शिविर में एक जवान ने अपने ही साथियों पर गोली चला दी। पुलिस की जानकारी के अनुसार 4 जवानों की मौत हो चुकी है और अभी कुछ जवान जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना के पीछे की वजह जवानों का आपसी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस जानकारी के अनुसार सोमवार यानी कि आज सुबह 3:30 बजे एक जवान ने विवाद के बाद अपनी AK-47 राइफल से अन्य जवानों पर गोली चला दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई और बाकी जख्मी हो गए। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिवाली के बाद दिल्ली की हवा और भी प्रदूषित हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नए कोरोना केसेस भी बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 47 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें से अच्छी खबर ये है कि कोरोना से अब तक एक भी डेथ केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्थ बुलेटिन के हिसाब से दिल्ली में अब तक 365 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 161 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। अगली खबर है T20 वर्ल्ड कप 2021। रविवार को अबू धाबी में खेले जा रहे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले से पहले एक बुरी और दहला देने वाली खबर सामने आई है। अबू धाबी के शेख जायद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के चीफ क्यूरेटर मोहन सिंह की मौत इस अहम मुकाबले से पहले हो गई। करोड़ों भारतीयों की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई थी, ऐसे में उनकी मौत की खबर काफी चौंका देने वाली है। मीडिया खबरों की माने तो घटना की पुष्टि अभी नहीं हुई है और मोहन सिंह की मौत किस वजह से हुई है इसकी जानकारी भी फिलहाल अभी कहीं नहीं है। जल्द ही इस पर बयान जारी करने की संभावनाएं बताई जा रही है और सूत्रों के मुताबिक ये घटना आज घटी है और इसके बारे में और जानकारियां घटना की पूरी जांच हो जाने के बाद आएंगी। आज की इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए डेली शॉर्ट्स ऐसी ही खास खबरों के लिए। धन्यवाद।